ग्वालियर में कोचिंग से लौट रहे नाबालिग छात्र को अगवा कर मारपीट करने का मामला सामने आया है। दरअसल सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें एक लड़के को मारपीट कर धमकाया जा रहा है। बता दें कि 12वीं के छात्र कोचिंग से लौट रहा था, इसी दौरान चार नाबालिग लड़कों ने छात्रों को अगवा कर लिया और कमरे में जाकर जमकर मारपीट की। साथ ही बार बार उसे अवैध हथियार से डराया धमकाया गया। वहीं नाबालिग ने घटना की शिकायत थाने में दर्ज कराई है। मामले की शिकायत मिलते ही पुलिस ने आरोपियों की पहचान करने और उनकी गिरफ्तारी के लिए दो टीमों का गठन किया है और रवाना हो गई है। ग्वालियर के यूनिवर्सिटी थाना क्षेत्र में एक बच्चों का वीडियो वायरल के संबंध में जानकारी प्राप्त हुई है। तो इस संबंध में जो बच्चे को वीडियो वायरल में कुछ एक बच्चा कट्टा दिखा के उसको डरा रहा है, इस टाइप का वीडियो आया है। तो इस संबंध में अभी तक तो जो फरियादी पक्ष है उनके द्वारा कोई कंप्लेंट नहीं की गई थी, और जैसे ही वो कंप्लेंट करेंगे कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा जो उसमें वीडियो में जो व्यक्ति दिखाई दे रहा है कट्टे वाला, उसको जल्दी से जल्दी आइडेंटिफाई करके वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। अब बजे तो जब फरियादी आएगा, जब पक्ष आएगा, दूसरा पक्ष जब अपने को पूरा बजे मालूम पड़ेगी क्या बजे है। वीडियो में तो बस इतना ही दिखाई दे रहा है, तो उसमें आइडेंटिफाई करके कार्रवाई की जाएगी। हाँ बिल्कुल, पूछताछ की जाएगी, पूरी कार्रवाई की जाएगी।